दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूं आज 26 अलीपुर रोड पे, जहां पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने अंतिम सांस ली थी और यहां पर इसको बना दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल। मेरे साथ हैं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के परपोत्र राजरतन अंबेडकर जी। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल में, आपको ये कैसा लगा ये बताइए। ये मेरा दूसरा अवसर है यहाँ पर आने के लिए, मैं ये दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार जब आया था तब इसका नक्शा कुछ और ही था, सिर्फ बाबा साहब का पुतला हुआ करता था और कोई इतिहास की जानकारी, बाबा साहब के जीवन की जानकारी नहीं मिला करती थी। लेकिन आज जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, बाबा साहब का पूरा जीवन चरित्र अंदर जाने के बाद खड़ा होता है, बाबा साहब के जन्म से लेकर बाबा साहब के बौद्ध धर्म के दीक्षा के बाद बाबा साहब का महापरिनिर्वाण तक यहाँ पर जीवित कर दिया गया है। अंदर जाने के बाद ऐसा लगता है कि फिर से वो एरा, फिर से वो दौर हम लोग जी रहे हैं, बाबा साहब को सामने देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पर बाबा साहब खड़े होकर हमसे बात करते हैं, बाबा साहब स्पीच दे रहे हैं। तो इस तरह का पूरा ये देखने को मिला, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये देखने को मिलने वाला है। मेरा यहाँ पर आने का उद्देश्य कुछ और था, मैं यहाँ पर इसलिए आया कि 15 नवंबर बाबा साहब अंबेडकर 1956 में यहाँ से वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस के लिए गए जी। 15 नवंबर 1956 से 21 नवंबर 1956 तक ये कॉन्फ्रेंस चली। ये बाबा साहब की चौथी कॉन्फ्रेंस, आखिरी कॉन्फ्रेंस साबित हुई। कुछ ही दिनों में बाबा साहब जब भारत में आए, उनका महापरिनिर्वाण हुआ और इसी घर में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ। और आज दो पीढ़ियों के बाद, 60 साल के बाद, मैं इसी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूं। और इसलिए मैंने ये सोचा कि इस कॉन्फ्रेंस को जाने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन किया जाए। जहाँ से बाबा साहब अंबेडकर जी इस बंगले से कॉन्फ्रेंस के लिए जाया करते थे, इस बंगले की मिट्टी को छुआ जाए, इसको माथा लगाया जाए, बाबा साहब के चरणों में वंदन किया जाए, इस हेतु से मैं आज यहाँ पर आया। और जहाँ से हमारे आंदोलन की, यहाँ से हमारी मुक्ति की लड़ाई शुरू हुई, जहाँ पर बाबा साहब का वास्तव्य हुआ, उस पावन धरती को नमन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बाबा साहब के घर को, बंगले को यहाँ पर नमन करने को आया और यहाँ से बाबा साहब अंबेडकर जी की मूवमेंट को, जो बाबा साहब ने 1956 में हम लोगों को बौद्ध धर्म के माध्यम से शुरू करके दी थी, उसको फिर से गतिमान करने के लिए मैं यहाँ से जापान टोक्यो के लिए निकल रहा हूँ। आज ही रात की मेरी फ़्लाइट है बाबा साहब अंबेडकर जी के इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट को, जो बाबा साहब जाया करते थे, वो रिश्ता मैं फिर से कायम करने जा रहा हूँ, वो फिर से प्रस्थापित करने जा रहा हूँ। ये जो बाबा साहब ने हम लोगों के लिए करके दिया, उसको फिर से उजागर करने के लिए बाबा साहब के तीसरी पीढ़ी के बाद मैं यहाँ से नेतृत्व कर रहा हूँ और यही सर, मेरा वजह है। सर, मेरा एक ये सवाल है कि जो आप जापान में जो कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, वो उसका मेन मोटिव क्या है? वैसे ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये 1950 से होती है जी। बाबा साहब इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। हर दो साल में एक बार ये कॉन्फ्रेंस होती है जी। इस हमारा मेन मोटो ये है, जो बाबा साहब के बारे में हमने पढ़ा है, बाबा साहब ने इस देश में 900,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर को दी। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि इस देश के बौद्ध हमेशा कोई ना कोई सरकार बने और फिर उनके पास हम लोग गिड़गिड़ाए, हमारे हक और अधिकार तब कांग्रेस के सामने, आज बीजेपी के सामने ऐसे मांगने के लिए हम लोग खड़े हुए, ये बाबा साहब नहीं चाहते थे। इस देश में जिस तरह से क्रिश्चनों की व्यवस्था है, मुस्लिमों की व्यवस्था है, उसी तरह से बौद्धों की एक स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए। और ये व्यवस्था खड़ी करने के लिए, इस देश की व्यवस्था अगर हमको मदद नहीं करती, तो विश्व के पास जाओ और विश्व के बौद्ध राष्ट्रों से ये अपील करो कि हम भी बौद्ध हैं, हम भारत के बौद्ध हैं, जहाँ पर बुद्धा का जन्म हुआ है, हम उस देश के बौद्ध हैं और इसलिए हम लोग वंचित हैं। हम लोगों को अगर न्याय देना है तो आप लोगों को भारत में आना होगा और हमारी जिम्मेदारी भी आप लोगों को लेनी होगी। ये मोटिव बाबा साहब अंबेडकर जी का वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में जाने का हुआ करता था और उसी को आगे लेकर जाने के लिए मैं बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ। और उनके सामने हमने प्रस्ताव रखा है कि इस देश में हमारी खुद की एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ताकि हमारी स्कूल कॉलेजेस बने और उसमें जो सिलेबस हो,
वो सिलेबस हमारे हाथों में हो, ना कि SSC CBSE जो लोग यहाँ पर जो सिलेबस डिज़ाइन करते हैं, ना कि उनके हाथों में हो, ये हमारे हाथों में हो और हमारे बच्चे, सभी जाति धर्म के बच्चे उस स्कूलों में पढ़े और बाबा साहब के विचारों का, बुद्धा के विचारों का भारत इस देश में बने, इस तरह का नियोजन करने के बाद हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। सर बहुत सुंदर वो है, प्रपोजल भी बहुत अच्छा रहेगा ये, पर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब हर 2 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस होती है तो पिछले 60 साल में अभी तक कोई क्यों नहीं गया? देखिए यही दिक्कत रही है, बाबा साहब 4थी कॉन्फ्रेंस तक गए जी, लेकिन बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद किसी ने भी बौद्ध राष्ट्रों से संबंध बनाने का, बौद्ध राष्ट्रों से मैत्री प्रस्तापित करने का काम किसी ने नहीं किया। आज भी जितने भी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस बाहर होते हैं, देश के बाहर होते हैं, वहाँ पर बुद्धिस्टों के प्रतिनिधि नहीं जाते, वहाँ पर अलग जाति के, अलग धर्मों के प्रतिनिधि बुद्धिस्ट प्रतिनिधि करके जाते हैं। और भारत के बाहर से जो मदद इस देश में आ रही है वो बौद्धों को देने के बजाय वो सवर्णों को, अंबानी को, अडानी को ट्रांसफ़र होती है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र इन 60 सालों में हुआ। हमारे लिए जो प्रोविजंस बुद्धिस्ट कंट्रीज कर रही थी, वो प्रोविजंस, वो साधन, वो रिसोर्सेस हमारे पास आने के बजाय ये अंबानी अडानी के पास जा रहे थे। और इसलिए मैं इस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ कि हम लोग इस देश के बौद्ध हैं, आप लोग जो हमारे लिए मदद देते हो वो हमारे तक नहीं आती, और ये सारे जो पूंजीपति बैठे हैं ये उनके पास जाती है, जैसे बुलेट ट्रेन हो, जैसे राफेल हो, ये सारा आप लोग जो देख रहे हो ये सारा मामला वहाँ पर ही जा रहा है, अंबानी के पास जा रहा है। इस देश के बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स आज भी उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को नौकरी नहीं मिलती, इतने बड़े पैमाने पर पूरा विश्व इस देश को फंड देता है, वो फंड बुद्धिस्टों के पास नहीं आ रहा। यही वजह रही कि इन 60 सालों में जो षड्यंत्र हुआ वो उजागर करने के लिए मैं इस कॉन्फ्रेंस में भी जा रहा हूँ जी। मेरा एक और सवाल है कि आप दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेन पदाधिकारी हैं, और बाबा साहब ने जो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी, भारतीय बौद्ध महासभा जो बनाई थी, उसके भी अब आप ही वो हैं जी, जी। सर्वोपरि आप ही हैं, तो क्या जो बुद्धगया में जो बौद्धि टेम्पल जो है हमारा, महाबौद्धि टेम्पल जो है, उसको हिंदुओं के कब्जों से आप कब उसे छुड़ा पाएंगे? आपने अच्छा किया ये सवाल यहाँ पर निकाला। ये हमारा सेकंड प्रपोजल है वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के सामने जी, वरना आज आप अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछते तो शायद मैं यूनिवर्सिटी तक ही अपना बात सीमित रख पाता। लेकिन हमने दूसरा मुद्दा भी रखा है कि अगर इस देश में क्रिश्चनों के चर्चेस क्रिश्चनों के हाथों में होती है, मुसलमानों के मदरसे, मुसलमानों के मॉस्क अगर मुसलमानों के हाथों में होते हैं, तो बौद्धों के जो प्रेरणा स्थल है वो बौद्धों के हाथों में क्यों नहीं होने चाहिए? इसलिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में उठाया है कि वहाँ की जो मैनेजमेंट है ये बुद्धिस्टों के हाथों में होनी चाहिए। बुद्धा ये कोई विष्णु के अवतार नहीं है, और इसलिए बुद्धिस्ट जो भी मॉन्यूमेंट्स इस देश में है ये बौद्धों के ही हाथों में होनी चाहिए, मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में होनी चाहिए। और जो अंधविश्वास बौद्धगया से निकाला जा रहा है, बुद्धा के सामने बैठकर पिंडदान किया जाता है, बुद्धा के सामने बैठकर होम हवन किया जाता है, ये सारा रोकना होगा। और WFB को, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट को, हम लोग यही बता रहे हैं कि इसको भी मुक्ति हम लोगों को दिलानी होगी। भारत में पिछले 30 सालों से 40 सालों से इसका आंदोलन चल रहा है, लेकिन आज भी रिजल्ट नहीं मिला। जब पूरे विश्व के बौद्ध राष्ट्र इस मांग को हमारे कंट्री के, हमारे देश के व्यवस्था के सामने रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जल्दी ही ये बौद्ध गया मुक्ति जो आंदोलन है वो सफलता हम लोगों को मिलेगी। तो क्या ऐसा लगता है कि आप वहाँ कॉन्फ्रेंस में जो ये बात उठाएंगे तो कितना परसेंटेज इस बात को माना जाएगा? नहीं, हम लोग पूरे सबूतों के साथ ये उठा रहे हैं। यहाँ पर जो भंतेगण जो आंदोलन कर रहे हैं उनके आंदोलन के पूरा ब्यौरा हम लोग वहाँ पर रख रहे हैं। केवल ये हमारी मांग नहीं है, इस देश में जितना भी कोई बौद्ध वर्ग है ये सबकी वो मांग है। और इसलिए अगर उनको कन्विंस करने के लिए सिग्नेचर कैंपेन हो या बहुत बड़े पैमाने पर अगर कैंपेन चलाना हो तो वो भी हम चलाएंगे, और WFB को ये साबित करके दिखाएंगे कि पूरा बौद्ध ये चाहता है कि वो मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में हो। एक दो लोगों की ये मांग नहीं है, पूरे भारत के बौद्धों की ये मांग है, और इस मांग के आगे WFB को समर्थन देना होगा, ऐसी मेरी राय है। WFB की
WFB में आप कितनी मांगे दे रहे हैं? हमारी ऐसी तीन या चार मांगे हैं, जैसे बुद्धिस्ट सेमिनरी की मांग है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की मांग है, बोधगया की मांग है, और हॉस्पिटल्स की हम लोगों की मांग है, धम्मदूत सेंटर जिसको हम लोग बुद्धिस्ट सेमिनरी बनाते हैं बोलते हैं, ऐसे चार पांच मांगों का प्रपोजल हम लोगों ने 21 दिन पहले ही WFB को प्रेजेंट कर दिया गया है। जी, आप कुछ हमारे समाज के लिए, अपने बुद्धिजीवियों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं आप लोगों को यही देना चाहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी को अगर आप मानते हो तो बाबा साहब ने कंक्लूजन, निष्कर्ष अपने जीवन का बौद्ध धर्म दिया है, तो आप लोग बाबा साहब को मानोगे और बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म को नहीं मानोगे तो ये मेरे ख्याल से कोई अम्बेडकरवाद नहीं होता। बाबा साहब ने पूरे पढ़ाई करने के बाद, पूरा निष्कर्ष देने के बाद बौद्ध धर्म इसलिए दिया है ताकि आप अपनी एक अच्छी व्यवस्था बना सको। जितनी देर तक आप जातियों में बने पढ़ो रहोगे, कोई ग्रेट चमार लिख रहा है उसको हटाने के लिए कोई ग्रेट वाल्मीकि लिख देता है, हमारे महाराष्ट्र में महार लिख देता है, कोई मातंग लिख देता है, तो इतनी जितनी देर तक आप जातियों में बने पड़ोगे बने रहोगे उतनी देर तक आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होगा। जिस दिन आप पूरा तख्ता अगर बौद्ध धर्म के ओर जाता है, पूरा विश्व आपके मदद के लिए खड़ा हो सकता है, इतनी ताकत बाबा साहब ने आपके हाथों में जाते जाते दी है, उस ताकत को हमको पहचानना होगा और बौद्ध धर्म के माध्यम से इस देश में बौद्धों की एक व्यवस्था निर्माण करने का काम आप लोगों को करना होगा, यही मेरी बुद्धिजीवियों से मांग होगी। जी, बुद्धिस्ट बने, बुद्धिज्म में अगर हम जाते हैं तो शायद पूरा वर्ल्ड आपके साथ खड़ा होगा, ये बात राज रतन जी ने भी क्लियर कर दी है कि अगर हम एकजुट हो करके रहेंगे तो शायद हमें कोई मार पीट और कुचल नहीं सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय।